पूजा अर्चना। जगदंबा मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी वगाड़ियों ढोल, शक्ति की आराधना ना अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी आपी नवरात्रि की शुभेच्छा। मां जगदंबा ना दर्शन करी प्रधानमंत्री मोदी अनुभवी धन्यता। सूरत में कैबिनेट मंत्री सीआर पाटिल ना हस्ते बे गार्डन लोकार्पण करायू। अटवा ने रांधेर में पालिका ने टॉरेंट ग्रुप फाउंडेशन द्वारा संचालित गार्डन नवीनीकरण कराया बाद बन्ने गार्डन खुला मुकाया। रजाना दिवसे मळशे मंत्रिमंडल की बैठक, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की आगेवानी में रविवार योजाशे बैठक। रविवार सांजे 4:30 कलाके बैठक बोलावता अधिकारी और मंत्रीओ में आश्चर्य फैलायू। कोई महत्व निर्णय समय आ रीते बोलावाती हो बैठक। वडोदरा एरपोर्ट ने बॉम्ब थी उड़ावी देवानी धमकी मड़ी। सीआईएसएफ ना एड्रेस पर ईमेल आता एजेंसी एक्शन में बॉम्ब और डॉग स्क्वॉड द्वारा टर्मिनल विस्तार में चेकिंग। एरपोर्ट ना ईमेल पर धमकी आपनार शख्स ने शोधवा पुलिस की कवायत शुरू। वडोदरा में पुलिस ने पड़कार फेंकतो वीडियो वायरल। एक्टिवा पर बन्ने साइड पर उभा रही युवकों कर्यो स्टंट। नियमों ने नेवे मुकी बेखौफ थईने फरता नबेराओ सामे कार्यवाही क्यारे थशे तेने लई उठ्या सवाल। अमदावाद में रेलवे कर्मी आपघात। मणिनगर रेलवे क्रॉसिंग पास पाटा पर सोई ने जुनियर एंजीनियरे हमसफर ट्रेन नीचे जीवन टूंकाव्यू। आपघात हचमचावी देता सीसीटीवी आया सामने। पड़ोशीए जाण करता परिवार पर आप फाट्यू। वलसाड दरिया में शंकास्पद वस्तु देखाता सुरक्षा एजेंसी में मची दौड़धाम। बोट की मदद की शंकास्पद ड्रम ने खेची ने किनारे लवायू। पुलिस एफएसएल टीम की मदद लईने तपास करी। कर्मचारियों कंपनी ग्राउंड में बेसीने काम नहीं करीने रोष ठालव्यो। जूनागढ़ में इको सेंसिटिव जोन पर खेडूतों विरोध मुद्दे संशोधक डॉक्टर जलपन रूपापरा निवेदन। इको सेंसिटिव जोन थी मोटा उद्योगों पर प्रतिबंध लागशे। खनन प्रवृत्ति बंद थशे। स्थानिकों ने बमणो फायदो थवानुं डॉक्टर जलपने जणाव्युं। गुजरात में गरबा की रमझट। बीजा दिवसे बमणा उत्साह साथ गुजरातीओए धरती ध्रुजावी। मन मोही ले तेवा जाजर मान कपड़ा पहरी ने खेलैयाओए गरबा की रमझट बोलावी। धगधगता अंगारा पर खुला पगे रास लेता जामनगर ना युवानो बने आकर्षण नु केन्द्र। 72 वर्ष जूनी परंपरा आजे पण यथावत। पटेल युवक गरबी मंडल ना युवानो दानतरडा मशाल और तलवार साथ गरबा नो रंग जमावे छे। छोटी काशी में खेलैयाओ ने सड़कता अंगारा वच्चे मशाल रास रमता जोई सौ कोई थया मंत्रमुग्ध। परंपरागत परिधान में गरबे झूमता खेलैयाओ ने निहाळवा उमट्यो मानव मेहरामण। राजकोट शहर में अनोखा रास योजाया। रणजीत विलास पैलेस खाते क्षत्रियाणीओए तलवार रास लीधा। गाड़ी और जीप में हाथ में तलवार लई क्षत्रियाणीओए गरबा ग्राउंड में पहुंची हती। रणजीत विला पैलेस में 150 क्षत्रियाणीओ एक साथ तलवार रास रम्या। 16 वर्ष थी भगिनी संस्था अहीं करे छे तलवार रास नुं आयोजन। नवरात्रि ना एक महीना पूर्वे थी क्षत्रियाणीओ करे छे विशेष तलवार रास नी प्रेक्टिस। बीजा नोरते खेलैयाओं में जोवा मळ्यो अनेरो उत्साह। रंगबेरंगी ट्रेडिशनल पहेरवेश में अमदावाद में खेलैयाओए धूम मचावी। मोड़ी रात सुधी गरबा की परवानगी मळता खेलैयाओं में अनेरो आनंद। अवनवा गरबा स्टेप साथ खेलैयाओ गरबे घूमया। अमदावाद में कीर्तिदान गढ़वीए रेलाव्या गरबा ना सूर। आगवी शैली में गरबा गाई कीर्तिदान गढ़वीए खेलैयाओं ने मंत्रमुग्ध कर्या। बीजा नोरते खेलैयाओ मन मूकीने गरबे घूमया। वडोदरा लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज गरबा में सतत बीजा दिवसे विवाद। 70 થી 100 खेलैयाओं पास खोवाई जता खेलैयाओं बॉक्स ऑफिस पर पहुंची होबाड़ो कर्यो। मैनेजमेंटे बीजी वक्त पास आपवाना 1000 रूपया मांगता खेलैयाओं कर्यो हल्लाबोल। गांधीनगर में वज्रमगढ़ कार्यक्रमों ने पुलिस वच्चे थयुं घर्षण। घर्षण थया पाछळनुं कारण अकबंध। बन्ने पक्षों वच्चे बोलाचाली बाद थयेली बबालना दृश्य आव्या सामे। अमरेलीना ईश्वरिया गाम में परषोत्तम रूपाला गरबे घूमया। तबला और मंजीरा ताल पर परषोत्तम रूपाला गरबा ने रमझट बोलावी। गरबे झूमता परषोत्तम रूपाला वीडियो वायरल। बारडोली में नवला नौरसाना बीजा दिवसे खेलैयाओं में उत्साह। स्वर्णिम नवरात्रि आयोजित गरबा महोत्सव में पहुंची बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेस ईशिता दत्ता। गरबा ग्राउंड में खेलैयाओं साथ गरबे घूमी एक्ट्रेस ईशिता दत्ता। गीर सोमनाथ ना प्रश्नावाड़ा में भवानी गरबी मंडले कर्यु प्राचीन रास गरबा नु आयोजन। काठियावाड़ी पैरवेश में खेलैयाओ मन मुकी ने गरबे घूमया। सनातन संस्कृति टकावी राखवानो अहीं परंपरागत रास गरबा नु आयोजन करायु।
રાજકોટના ધોરાજીમાં ભૂલકા ગરબીનું આયોજન, 2 થી 10 વર્ષના ભૂલકાઓ મનમૂકી ને રમે છે ગરબા। બજરંગ રૂપે કરેલા આ આયોજનમાં કોઈ પણ ભેદભાવ વગર 1100 થી વધુ ભૂલકાઓ ગરબાની રમઝટ બોલાવી। નવરાત્રી ને લઈ મહેસાણાના વિસનગરમાં થનગનાટ 2024 નું આયોજન, પટેલ યુનિવર્સિટી દ્વારા 2 દિવસીય નવરાત્રી કાર્યક્રમનું આયોજન। અરવિંદ વેગડાએ ગરબાના સુર રેલાવતા વિદ્યાર્થીઓ ઝૂમી ઉઠ્યા। નર્મદાના રાજપીપળામાં ખાસ બાલિકા ગરબાનું આયોજન, સંસ્કાર યુવક મંડળ અંબાજી માતાજીના મંદિરે બાલિકા ગરબા મહોત્સવનું આયોજન કર્યું। અહીં 5 વર્ષથી માંડી 15 વર્ષની બાલિકાઓ સ્વતંત્ર રીતે રમે છે ગરબા। માં દુર્ગા વિશે અભદ્ર ભાષામાં પોસ્ટ વાયરલ થતા વિવાદ, પંચમહાલમાં વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મુકાઈ હતી પોસ્ટ। કાલોલ પોલીસ સ્ટેશને હિન્દુ સંગઠનોએ નોંધાવ્યો વિરોધ, અભદ્ર પોસ્ટ મૂકનાર અને ગ્રુપના એડમિન સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ। નવરાત્રી સમયે અમદાવાદમાં પોલીસની ડ્રગ્સ સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ, સિંધુ ભવન અને પકવાન ક્રોસ રોડ નજીક ડ્રગ્સ એનાલાઇઝર કિટથી તપાસનું વિશેષ અભિયાન, તહેવારોને લઈ પોલીસ સતર્ક। સુરતના ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર પોલીસની બાજ નજર, નવરાત્રી આયોજનો પર પોલીસનું લાઈવ મોનિટરિંગ, એઆઈ અને બોડી વોર્ન કેમેરાથી ગુનેગારો રોમિયો પર પોલીસની નજર। જૂનાગઢમાં ગીરના ગામડાઓમાં ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનનો અનોખો વિરોધ, નવરાત્રીમાં બાળાઓ ઇકો ઝોન રદ કરોના બેનર સાથે ગરબે ઘૂમી, ઇકો ઝોન નાબૂદ કરો હે અંબેમાં લખાણ લખેલા બેનરો સાથે નાની બાળકીઓએ કર્યો અનોખો વિરોધ। નવરાત્રીના પર્વને લઈને મેટ્રોના સમયમાં ફેરફાર, અમદાવાદમાં સવારે 6:30 થી રાતના 2 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે મેટ્રો। મોડી રાત્રે ગરબા રમીને ઘરે જતા લોકોને તકલીફ ન પડે માટે મેટ્રોએ લીધો મહત્વનો નિર્ણય। નવરાત્રીના પર્વમાં સુરતમાં ફૂલોના ભાવોમાં 80% સુધીનો ઘટાડો, ભાવ ઘટાડો થતા વેપારી અને ગ્રાહકોમાં ખુશી, 15 થી 20 રૂપિયા કિલોના ભાવે વેચાઈ રહ્યા છે પીળા અને લાલ ગોટાના ફૂલ। અમદાવાદમાં દશેરાની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં, 30 ફૂટથી 60 ફૂટના રાવણના પૂતળા થઈ રહ્યા છે તૈયાર, કલર પેપર બાંબુ સહિતના ભાવમાં 5% વધારો થતા રાવણના પૂતળા ભાવમાં પણ થયો વધારો। અમદાવાદમાં રોગચાળાએ માજા મૂકી, છેલ્લા 4 દિવસમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડેન્ગ્યુના 44 કેસ નોંધાયા, સારવાર સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની લાઈનો લાગી, શરદી ખાંસી વાયરલ ચિકનગુનિયા તેમજ ડેન્ગ્યુના કેસોમાં સતત વધારો। રાજકોટમાં રોગચાળાનો રાફડો ફાટ્યો, બેવડી ઋતુના કારણે પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગચાળો બેકાબુ બન્યો, શરદી ખાંસી વાયરલ ચિકનગુનિયા તેમજ ડેન્ગ્યુના કેસમાં સતત વધારો। વડોદરામાં પણ વકર્યો રોગચાળો, હોસ્પિટલોમાં દર્દીઓની લાંબી કતાર લાગી, ડેન્ગ્યુ મેલેરિયા વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસમાં સતત વધારો। આરોગ્ય વિભાગે લોકોને સ્વચ્છતા જાળવવા અને સાવચેત રહેવા આપી સૂચના, ખેલૈયાઓને પણ ભૂખ્યા પેટે ગરબા ન રમવા અપીલ। રાજ્યમાં આગામી 6 દિવસ વરસાદની શક્યતા નહીવત, વરસાદને લઈ હવામાન વિભાગની આગાહી, દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવા વરસાદની સંભાવના, કચ્છ સૌરાષ્ટ્રમાં વાતાવરણ સૂકું રહેશે। 5 દિવસથી નર્મદા ડેમ સતત મહત્તમ સપાટીએ, હાલ નર્મદા ડેમ 100% ભરાયેલો, ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક થતા ડેમનો દરવાજો 0.60 મીટર ખુલ્લો કરાયો, નર્મદા ડેમ 2 વર્ષ સુધી ગુજરાતને સિંચાઈ અને પાણી આપવામાં સક્ષમ। ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર, શિયાળુ પિયત માટે ધરોઈ ડેમમાંથી પાણી પૂરું પાડવામાં આવશે, ધરોઈ ડેમ 87.74% ભરાતા નિર્ણય કરાયો। રાવલ ગામે નદીના પુલ પાસે ફસાયેલા વૃક્ષો હટાવવાનું કામ ખેડૂતોએ જાતે કર્યું, નદીમાં વૃક્ષો ફસાતા પાણી ખેતરોમાં ફરી વળ્યા, તંત્ર દ્વારા કોઈ કામગીરી ન કરાતા ખેડૂતોએ સ્વખર્ચે કરાવી પડી કામગીરી। આણંદના સોજિત્રા તાલુકાના 23 ગામમાં ડાંગર પકવતા ખેડૂતોને મોટું નુકસાન, હજી પણ ઘણા ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ભરાયેલા, પાક નુકસાનીના સર્વેમાં ભેદભાવ કરાયાનો ખેડૂતોનો આરોપ, ફરી સર્વે કરીને ખેડૂતોને વળતર ચૂકવવા ખેડૂતોની માંગ। ભારે વરસાદ બાદ મધ્યપ્રદેશના દમોહમાં ધોધ સક્રિય થયો, લીલીછમ વનરાજી વચ્ચે વહેતા નયન રમ્ય ધોધના આકર્ષક દ્રશ્યો આવ્યા સામે, બ્યુટી ઓફ નિદન તરીકે જાણીતા આ ધોધને જોવા દૂર દૂરથી આવે છે પ્રવાસીઓ। સુરતના કુડસડમાં ઇલેક્ટ્રિક મોપેડમાં આગ ભભૂકી, મોડી રાત્રે એકાએક મોપેડમાં આગ લાગતા લોકોના જીવ અધ્ધર થયા, મોપેડની નજીક રાખેલી સાયકલ પણ આગની લપેટમાં આવી, મોપેડમાં આગ લાગ્યાનું કારણ અકબંધ। મહારાષ્ટ્રના ભિવંડીમાં નાસિક હાઈવે પર સ્થિત ગોડાઉનમાં આગ ભભૂકી, વિકરાળ આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો, વિકરાળ આગને લઈ ફાયર વિભાગની ટીમો સ્થળ પર દોડી આવી, આગ લાગ્યા પાછળનું કારણ અકબંધ।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा दलों 31 नक्सलियों ने ठार कर्या। 28 नक्सलवादियों ना मृतदेह मिल्या। AK-47 सहित घना ऑटोमेटिक हथियारों जब्त कराया। कैरेबियन देश हैती में ग्रान ग्रीफ गैंगे कर्यो हुमलो, 70 लोगों ना मौत। मृतकों में 10 महिलाओं और 3 बाळकों पण समावेश। 50 थी वधु लोगों घायल, जेमांथी 16 लोगों की हालत गंभीर। 3000 लोग जीव बचावा घर छोड़ी भाग्या। इजरायल और लेबनान वच्चे युद्ध वधु घातक बन्यो। वहली सवारे इजरायल तरफ थी लेबनान ना बेरूत पर हुमलो करायो। हुमला बाद बेरूत में धुमाड़ा गोटे गोट आवता देखाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर जशे पाकिस्तान। 15-16 ऑक्टोबरे एससीओ की बैठक में हाजरी आपशे विदेश मंत्री। 9 वर्ष में प्रथम वक्त भारतीय मंत्री लेशे पाकिस्तान की मुलाकात। 2015 में भारत तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराजे लीधी थी पाकिस्तान की मुलाकात। महाराष्ट्र विधानसभा ने डेप्यूटी स्पीकर और धारासभ्य मंत्रालय तीजा माड़े की छलांग लगावी। समाज ने एसटी कोटा में अनामत आपवानो विरोध करता समय कूदया था डेप्यूटी स्पीकर। सुरक्षा जाड़ी में फसाया बात कर सूत्रोच्चार। उत्तराखंड यात्राधाम केदारनाथ धाम नजीक दारू पर प्रतिबंध। मंदिर परिसर ने आसपास पण कोई नशा में झड़पाशे तो कड़क कार्यवाही करने आदेश। धाम की पवित्रता जलवाई रहे आ बाबत ने हवेथी नियमितपणे चेक कराशे। अमदावाद में ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक ना सर्वर में प्रॉब्लम नु निवारण आव्यु। 2 दिवस सर्वर बंद रहा बाद सर्वर फरी शुरू। 3 और 4 ऑक्टोबर ना टेस्ट माटे अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करी 7-11 ऑक्टोबर सुधी टेस्ट आपी शकाशे। डीसा में बिल्डरो केनाल नी जमीन पर बनावी दीधा मकान। बिल्डरो करेला गैरकायदेसर दबाण हटावा स्थानिको नगरपालिका थी लई मुख्यमंत्री सुधी करी रजूआत। डीएलआर द्वारा खोटा हद नक्शा बनावता खेडूत नी जमीन में दबाण थयुं होवानो आरोप। जीसीसीआई सभ्य की निमणूक ने लई राजकारण गरमायु। कुलपति ए कहू उद्योग व्यापार क्षेत्र साथ संकळायेली व्यक्ति की निमणूक करी शके। बीजी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषीए यूनिवर्सिटी नु भाजपीकरण थयाना आक्षेप कर्या। आ निमणूक गैरकायदे गणावी कहू तात्कालिक पगला लेवा मांग करी। बनासकांठाना पेपोल गामना बीएसएफ जवान शहीद थया। कलकत्ताना कूच बिहार में अंकित प्रजापति शहीद थया। शहीद जवानना पार्थिव देह ने आज वतन लवाशे। 24 वर्षीय अंकित प्रजापति 2021 में 45 बीएसएफ बटालियन में कॉन्स्टेबल तरीके जोड़ाया हता। गांधीनगर ना पूर्व धारासभ्य शंभुजी ठाकुर नु थयुं अवसान। 74 वर्षना शंभुजी ठाकुर लांबा समय थी बीमार हता। हृदयना वाल अने बायपास सर्जरी कराव्या बाद पण रिकवरी न थता शंभुजी ठाकुरे लीधो अंतिम श्वास। वडोदराना भायली में सगीरा साथे दुष्कर्म मामलो। पोलीसे अने एफएसएल नी तपास में जोड़ाई। सगीरा गरबा रमवा गई त्यारे दुष्कर्म थयानी चर्चा। घटनास्थल पर मार्किंग करी सैम्पल लेवानी प्रक्रिया हाथ धराई। पंचमहालना घोघंबा में परिणीता ने मैसेज करवो युवक ने भारे पड़ो। केटलाक लोकोए युवक ने ढोर मार मार्यो। मुद्दे साथे राखी स्वजनों राजगढ़ पोलिस मथके कर्यो हतो हल्ला बोल। हत्याराओ सामे कड़क कार्यवाही की मांग। अमदावाद में फरी झड़पायु लाखों एमडी ड्रग्स। 1.53 लाख 15.33 ग्राम एमडी ड्रग्स साथ एक आरोपी दबोचायो। एक आरोपी फरार। लाल दरवाजा बावा लतीफ की गली में एक घर में सीआईडी क्राइमे ड्रग्स झड़पी पाड़ी। नवसारी ढोलुंबर में गांजा की खेती करता खेती करार झड़पायो। घर की पाछळना भाग में 15 जेटला छोड उगाड़ा था। पोलीसे 54,000 नो मुद्दामाल जप्त करी कार्यवाही करी। नवसारी में उपवास करता लोग सावधान। कड़ोदरा में उपवास करता एक युवक नु मौत। गोल्डन स्क्वेर होटल में अचानक घड़ी पड़ता युवक नु मौत। कड़ोदरा पोलीसे युवक ना मृतदेह ने पीएम माटे खसेड़ी ने हाथ धरी तपास। सूरत में शेयर मार्केट में रोकाणना नामे छेतरपिंडी करनार सकंजामा। ब्रोकर तरीके ओळख आपी भेजाबाजे खंखेर्या हता। 1.71 करोड़ रूपया लोभामणी लालच आपी ठगाई करता युवक ने पोलीसे कर्यो जेल हवाले। वालीओ माटे लालबत्ती समान किस्सो। सूरत में स्कूल वाहन चालके करी विद्यार्थिनी छेड़ती। बाड़के शिक्षक ने फरियाद करता मामलो सामे आव्यो। स्कूल वाहन चालक की धरपकड़ कराई। ट्रेडिशनल ड्रेस में विद्यार्थिनी स्कूल वाहन में गई थी। चालके विद्यार्थिनी साथे अड़पला करीने फोटो पाड़वा कोशिश करी हती। सूरत की मैदरपुरा पुलिस चोरी की मोपेड साथ एक आरोपी ने दबोचो। आरोपी मौत शोक पूरा करने मोपेड चोरी करते हुए थोड़ा दिवस पहला मैदरपुरा विस्तार में मोपेड की चोरी करी।
राजकोट मनपाना विपक्ष नेताए भाजप पर लगाया गंभीर आरोप। सूचित सोसायटी में स्कूल बनेली है एटले बीयू परमिशन के फायर एनओसी मळे ज नहीं। पूर्व टीपीओ ए नोटिस आपी पण भाजपना नेता ने होवाथी कोई कार्यवाही न थई होवानो आरोप लगाव्यो। सूरतना वराछा में परवानगी विना वृक्षों निकंदन करायु। प्लॉट धारक और बिल्डरे वृक्षों निकंदन करता जागृत नागरिके मनपा कमिश्नर और गार्डन विभाग ने लिखित रजूआत करी। 10 जेटला वृक्षों कापवाने लई प्लॉट धारक और बिल्डर सामे कार्यवाही करवानी मांग। ऑनलाइन टास्क नामे लाखों की छेतरपिंडी। उच्च वर्तर की लालच आपी 18 लाख की वधुनी रूपया खंखेर्या। सूरत साइबर सेले बे आरोपी ने मुंबई थी झड़पी पाड़िया। वडोदरा जिला में दीपड़ा ने दहशत। उतराज गामनी सीम में दीपड़ाए कर्यु वाछरडा नु मारण। ट्रेक्टर की चोली साथ बांधेला वाछरडा ने कपासना खेतर में लई जाइने दीपड़ाए कर्यु मारण। दीपड़ा ने पांजरे पूरवा माटे खेडूतों की मांग। कर्यु मतदान। विधानसभा की 90 बैठकों पर 103 उम्मीदवारों चूंटणी मैदान में। हरियाणा में आज विधानसभा की चूंटणी जंग। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केन्द्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टरे कर्यु मतदान। चूंटणी में सौथी पहला मतदान करी मनोहरलाल खट्टरे भाजपा की जीतनी हैट्रिक नो विश्वास व्यक्त कर्यो। बनासकांठा जिला ना बे भाग करवानी चर्चा। बनासकांठा नु विभाजन करी पश्चिम विस्तार ने ओगढ़ जिलो बनावानी मांग साथे आज बैठक। ओगढ़ जिला नु वडु मथक दियोदर राखवानी मांग। दियोदर तालुका सहित अन्य 5 तालुका ना सामाजिक तेमज सर्वपक्षीय राजकीय आगेवानों नी हाजरी में मळशे बैठक। सूरत ना स्वामीनारायण परम सुख गुरुकुल विद्या संकुल में विज्ञान गणित अने पर्यावरण प्रदर्शन योजायुं। बाळकों में रहेली आंतरिक शक्ति विकास थाय ते हेतु थी करायुं हतुं प्रदर्शन आयोजन। 10,000 करता वधु लोकोए लीधी हती प्रदर्शन की मुलाकात। अमदावाद ना शालिग्राम सोसायटी में गरबा नुं भव्य आयोजन। गुजरात ना डीजीपी विकास साए पत्नी साथ गरबा कार्यक्रम में आपी हाजरी। मैनेजिंग कमिटीए डीजीपी नुं कर्युं स्वागत। विकास साए गुजरातवासियों ने नवरात्रि की शुभेच्छा पाठवी। नवरात्रि में नागरिकों ने सुरक्षा और सलामती माटे गुजरात पुलिस सज्ज। भयमुक्त वातावरण में बहन दीकरीओ गरबा घूमी शके ते माटे राज्यभर में 737 शी टीम तैनात। तमाम शहर जिला में 209 जेटला कंट्रोल रूम में 5,152 सीसीटीवी की मदद की चापती नजर। नवरात्रि में बहन दीकरीओ ने मोड़ी रात्रे वाहन न मळे तो नो टेन्शन। 100 अथवा 181 नंबर पर फोन करवाथी पुलिस मददे आवशे। अबावरू जग्याए पुलिस सतत पेट्रोलिंग करशे। ट्राफिक नी समस्या न सर्जाय तेनुं पण ध्यान रखाशे। अरवलीना मोड़ासामां शी टीमनी महिला पुलिसकर्मी गरबे घूमी। अन्य महिलाओं साथे महिला पुलिसकर्मीओ गरबे रम्या। रोमियो असामाजिक तत्वों सामे शी टीमनी बाज नजर। नवरात्रि में रोमियोगिरी भारे पड़शे। महिलाओं की सुरक्षा माटे जामनगर पुलिस एलर्ट। पुलिसनी शी टीम ट्रेडिशनल ड्रेस में सज्ज थईने आवारा तत्वों ने कायदानुं भान करावशे। साबरकांठा जिला पुलिस द्वारा सेफ एंड सिक्योर थीम पर नवरात्रि आयोजन। पुलिस परेड ग्राउंड खाते सिविल अने ट्रेडिशनल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी राखशे बाज नजर। मड़ी रात सुधी गरबा रमवाना राज्य सरकार निर्णय ने अमदावादीओ आवकार्यो। कहू नवरात्रि त्यौहार माटे आखू वर्ष राह जोईए छीए। पुलिस ने सुरक्षा होय छे तो पण डर नथी लागतो। मोड़े सुधी गरबा रमवाना निर्णय पर थई रहेली राजनीति ने लई सूरतना युवानोए आपी प्रतिक्रिया। राज्य सरकारना निर्णय ने लई युवानों में खुशी की लहर। कहू नवरात्रि गुजरातीओनो मुख्य त्यौहार छे। गुजराती आखू वर्ष आ त्यौहारनी राह जुए छे। गरबाना समय वधारवानी वात थी राजकारण में गरमावो। 5 वाग्या सुधीनी छूटनी वात पर बोल्या गेनी बेन। कहू गुजरात में 12 सुधी गरबा योजवा बराबर हतुं। गृह खातु कायदो व्यवस्था जाळवा सक्षम नथी। युवाधन में बदी न आवे ते जोवानी जवाबदारी आपणी। मोड़े सुधी गरबा रमवा पर हर्ष संघवी नो विरोधीओ पर तंज। कहू मोड़े सुधी गरबा रमवानी छूट आपी तो अमुक लोकोना पेट में दुखवा मांड्यु। गुजरात में नहीं तो शू पाकिस्तान में जईने अमारे गरबा रमवाना। नवरात्रिना पर्व ने लई सूरत सिविल हॉस्पिटल सज्ज। तमाम प्रकार की घटनाओं ने पहुंची वड़ता तैयारीओ करी देवाई। आग रोड अकस्मात गरबा रमती वक्त ढड़ी पड़ता लोगों ने बचावा तंत्र खड़े पगे। गीर सोमनाथ ना वेरावल में नवरात्रि पर्व ने लई ब्रेथ एनालाइजर द्वारा चेकिंग हाथ धराव। शहर मुख्य गरबी मंडलों मुख्य मार्गो पर पुलिस द्वारा चेकिंग। शी टीम सर्वेलंस स्टाफ सहित पुलिस स्टाफ द्वारा गरबा उत्सवों पर चांपती नजर। नवरात्रि ने लई सूरत पुलिस एक्शन में। नशो करीने निकळ्या तो गया समझो। शहर रस्ताओ पर पुलिस की बाज नजर। ब्रेथ एनालाइजर मशीन द्वारा राहदारी तपास में पुलिस तैनात।
वडोदरा गरबा फेस्टिवल में नो तिलक नो एंट्री, ग्राउंड में प्रवेशता पहला खेलैयाओ माटे तिलक फरजियात, आयोजकोए तिलक माटे अलग काउंटर बनाव्यू, खेलैयाओ तिलक लगावीने गरबे झूमिया। वडोदरा में डभोईना धारासभ्य शैलेश मेहता नो हुंकार, गरबा में तिलक वगर प्रवेश न आपवा सूचन, तिलक वगर देखाता युवकों ने उचकीने बहार काढ़वानी चीमकी। पोरबंदर शहर में भद्रकाली माताजी मंदिरे थाय छे प्राचीन गरबी, 100 वर्षथी मात्र देशी ढोल और मंजीरा नाद साथे रमे छे गरबा, प्राचीन गरबी में मात्र पुरुषों ज रमे छे गरबा, टोपी पहेरी गरबा रमवानी परंपरा। बनासकांठाना माई भक्त की अनोखी भक्ति आवी सामे छे, त्रेवीस वर्षथी नवरात्रि नौ दिवस झाड़ पर दोरडू बांधी एक पगे उभा रही नकोरडा उपवास करी माताजी करे छे आराधना, तेमनी अनोखी भक्ति ने निहाळवा अनेक लोको आवे छे तेमना घरे। सूरत महानगरपालिका की कचेरी में विरोध न गरबा, छेल्ला पांच वर्ष थी प्रमोशन नहीं आपता कर्मचारियों अनोखो विरोध, वहीवट विभाग में सेक्शन ऑफिसर नी वर्ग एक बे त्रण नी 900 थी वधु जगह खाली होवाथी कर्मचारी गरबा रमी रोष ठालव्यो। महानगरों में गरबा की धूम, रंगीला राजकोट में खेलैयाओ मन मूकीने झूमिया, ट्रेडिशनल कपड़ा पहेरीने खेलैयाओए गरबा अवनवा स्टेप करीने जलसो पाड्यो। नौरता ने लई गुजरातवासियों में आनंद, राजकोट गरबा ग्राउंड पर खेलैयाओ गरबा की रमझट बोला, सुरभी रासोत्सव में खेलैयाओ मन मूकी गरबे घूमिया। हिम्मतनगर हीराबाग विस्तार में योजा नवरात्रि खास बनी, परिवार की तरछोड़ाये वृद्धों माटे खास नवरात्रि आयोजन, युवा वृद्धाश्रम वृद्धों बनया संता। सुरतीलालाओ में नवरात्रि ने लई अनोखो उत्साह, बारडोली नगर स्वराज आश्रम मैदान में लोटस परिवार द्वारा भव्य आयोजन, बारडोली धारासभ्य ईश्वर परमारे आश्रम मैदान में खेलैयाओ मन मूकीने गरबे झूमिया। राजस्थान अजमेर में नवरात्रि ने लई ब्रह्मचारिणी की पूजा कराई, अजमेर प्रसिद्ध अंबेमाना मंदिर में दर्शनार्थियों की अवर जवर शुरू, माता श्रृंगार सिवाय 24 कलाक मंदिर द्वार खुला रहेशे। हेमकुंड साहिब धाम की आस्था पाकिस्तान 87 यात्रिकों ने भारत खेची लावी, पाकिस्तान थी आवेला श्रद्धालु हेमकुंड साहिब धाम की मुलाकात बाद जशे हरिद्वार, गंगा की भव्य आरती निहाळ्या बाद भारत अनेक स्थलों की लेशे मुलाकात। आज नवला नौरता ने लई माई भक्तों में आनंद, दिल्ली कालकाजी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमटी, वहली सवार थी भक्तों दर्शन माटे लाइनो लगावी। शारदीय नवरात्रि ने लई अनेरो उत्साह, दिल्ली छतरपुर मंदिर की मंगला आरती ना दृश्य आया सामे, मोटी संख्या में भक्तों में दुर्गा ना दर्शने पहुंचा। जम्मू कश्मीर ना कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में उमटी भक्तों की भीड़, मंदिर ना द्वार खुलता ज मोटी संख्या में भक्तों उमटी पड़िया, नवरात्रि निमित्ते माताजी ना दर्शन करी भक्तों धन्यता अनुभवी।